प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो उससे कोई नहीं बच पाता है। यमुना इन दिनों अपने रौद्र रूप में है और इसकी तस्वीरें आपको देश के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रही है। ये मथुरा का जयसिंहपुरा इलाका है। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप देखिए, आपको हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि हम कोई सड़क या खेत नहीं बल्कि किसी, देखिए आप दूसरी तरफ भी NDRF की आपको बोट पूरी रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। ऐसा लग रहा है ये कोई समुद्र या कोई तालाब या नदी का इलाका हो, जबकि ये दरअसल खेत है और यहाँ पर लोग खेती करते थे, यहाँ पर लोगों के घर थे। आपको दूर यहाँ अभी भी लोगों के घर नजर आएंगे और हम यहाँ मोहल्ले से होकर बाहर आए हैं तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। मथुरा का कई इलाका पानी में इस तरीके से जलमग्न हो गया है और लगातार इन इलाकों से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है, लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग घरों के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। और ना केवल लोग बल्कि मवेशी भी, कई मवेशी भी अंदर फंसे, उन्हें भी लगातार यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार यहाँ से निकालने का काम लगातार कर रही है ताकि कोई भी इंसान परेशान ना हो। साथ में तमाम आसपास इलाकों में राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे सरकार की तरफ से जरूरत का हर सामान, बेसिक जो खाने पीने का सामान होता है, स्वास्थ्य दवाइयाँ, वो सब मुहैया कराया जा रहा है ताकि लोग निकल के सुरक्षित अपने घर को और लौट सके। और आप एक बार फिर से तस्वीरें देखें तो आपको पीछे भी एक बोट नजर आएगा, NDRF की बोट है जो लगातार रेस्क्यू करके लोगों को यहाँ से निकाल रही है, लोगों को चेतावनी दे रही है कि यहाँ से लोग निकल जाएं। और एक बोट ये है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये हालात मथुरा के जयसिंहपुरा इलाके के हैं और यही अलग अलग कई इलाकों से हमें यही तस्वीरें देखने को लगातार मिल रही है। इस वक्त तो मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मथुरा के जयसिंहपुरा इलाके में और मैं आपको अगर यहाँ तस्वीरें दिखाऊँ तो हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। वो सड़कें जहाँ लोग दौड़ते थे, जहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती थी, घर थे, यहाँ पर अब पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हर तरफ केवल पानी ही पानी है और इस वक्त हालत ये है कि इस इलाके में आने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग नाव के माध्यम से, NDRF की टीम नाव के माध्यम से यहाँ इलाके को सर्च कर रही है कि कहीं कोई लोग ना फंसे हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मथुरा के प्रभारी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। सर, आप यहाँ पर नाव के सहारे से आए हैं उस रोड पर जिस रोड में कभी गाड़ी और लोग रहते थे, तो क्या कुछ मदद आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, हम सब लोग यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को भेजा है, जितना भी जगह हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं तो उसको देखने के लिए आए, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए हैं किस तरह की स्थिति है। हम सब देख रहे हैं कि पानी का जल स्तर कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है। अभी खतरा टला नहीं है, अभी और भी पानी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो हम सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, सबको यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाए और जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी, उनको आश्रय स्थल वगैरह बनाए गए हैं और वहां तक इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है, दवाइयों की व्यवस्था कराई जा रही है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की जो स्थिति है, अभी खतरा और बढ़ सकता है, सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएँ, अपने अपने घरों से निकल करके जो सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उन आश्रय स्थलों में जा करके सभी लोग पहुँचें। और हम लोगों का प्रयास है कि सभी लोगों को पूरी तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, सभी लोग उसका, सरकार के जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखने में हम सब लोगों का सहयोग करें। सर, आप बात कर रहे हैं लोगों को निकालने की, लेकिन कई घरों में एक दो लोग आपको चुनिंदा नजर आएंगे, तो क्या लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है या लोग निकाल लिए गए हैं? लोग निकाल लिए गए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग जो हैं कि अभी उनसे कई बार अनुरोध किया जा रहा है लेकिन अपने अपने स्थानों को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी अपने स्थानों को छोड़ के सुरक्षित स्थान पर जाएं। कल को अगर कोई और पानी बढ़ जाता है, कोई ऐसी स्थिति हो, किसी की जान माल की खतरा हो जाए, तो हम सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है और स्थिति क्योंकि काबू में जल्द से जल्द आए, हम लोगों का प्रयास है। सर, सरकार की तरफ से जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें क्या कुछ जरूरी, जो जरूरत की चीजें क्या कुछ मुहैया कराई जा रही है लोगों को? देखिए, अब इमरजेंसी के समय पे सभी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो और दवाई की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों को हम सब लोगों ने देखा है। और सभी लोगों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान हो, स्वच्छ स्थान सभी लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। क्या लगता है कि पानी कब वापस उतर जाएगा और कब लोग अपने घरों को लौट पाएंगे? देखिए, तो नेचुरल डिजास्टर है और एक तरह से अभी और भी पानी बढ़ने की हम सब लोगों को आशंका है। हम सब लोग चाहते हैं कि जल्दी इस तरह की स्थितियां काबू में आ जाएं और सुधर जाएं, लेकिन पानी अभी फिलहाल आने वाले दिनों में, क्योंकि बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो पानी अभी और भी बढ़ सकता है। इसीलिए हम सब लोगों को सारे मानकों का पालन करना होगा, सुरक्षा की व्यवस्था का हम सब लोगों को ध्यान रखना होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें लोग, जो आम जनता है, वो हमारा सहयोग करे।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना संदीप जी को, साफ तौर पे यही कहना है कि जो लोग अभी भी घरों के अंदर हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि बारिश का येलो अलर्ट है और ऐसे में जलस्तर बढ़ने की संभावना है, खतरा अभी भी टला नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज मथुरा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।